प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गुपकार के बहाने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सोनिया और राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया है। शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस हाईकमान से कई सवाल पूछे। शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान कहा कि जो ऐतिहासिक भूल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर को लेकर की थी, बीजेपी ने उसे सुधारने का प्रण लिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने धारा 370 को समाप्त कर उस प्रण को पूरा किया है। शिवराज ने कहा कि सोनिया गांधी जवाब दें कि वो कांग्रेस के नेता आर्टिकल 370 समाप्त होने का विरोध कर रहे हैं। देश विरोधी ताकतों के साथ कांग्रेस हमेशा क्यों नहीं खड़ी होती? कांग्रेस गुपकार अलायंस के साथ है या नहीं, ये स्पष्ट करें। आज सारा देश यह जानना चाहता है कि धारा 370 की समाप्ति का विरोध करने वालों और आतंकवाद को बढ़ावा देकर जम्मू कश्मीर के फिजा में जहर घोलने वालों के साथ हाथ में हाथ डालकर कांग्रेस पार्टी क्यों खड़ी है। एमपी सीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गुपकार घोषणा पत्र गठबंधन का हिस्सा है और जिला विकास परिषद के चुनाव कांग्रेस गुपकार गठबंधन के साथ लड़ेगी। धारा 370 को लेकर कांग्रेस का क्या दृष्टिकोण है, मैडम सोनिया गांधी स्पष्ट करें। उन्होंने कहा कि अब्दुल्लाओं, मुफ्तियों और एक गांधी परिवार की लूट की दुकान आर्टिकल 370 की समाप्ति के बाद बंद हो गई थी। अब फिर से जम्मू कश्मीर के हवा में जहर घोलने का प्रयास कर रहे हैं। शिवराज ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने जिस पर गुपकार गैंग के साथ हाथ मिलाया है वो वास्तव में गुप्तचर गैंग है। ये पाकिस्तान और चीन के गुप्तचर हैं। कांग्रेस ने तो हमेशा से ही देश विरोधी ताकतों का साथ दिया है। गुपकार गैंग के लोगों ने जिंदगी भर जम्मू कश्मीर को लूटा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी से पूछा कि जम्मू कश्मीर में गुपकार गठबंधन बनाने के लिए 8 दल एक साथ आए, क्या मुझे गुपकार और राष्ट्र विरोधी गठबंधन या जन विरोधी गठबंधन से करना चाहिए? इसके पीछे भी नेता राष्ट्र विरोधी टिप्पणी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज़।